ये हमारा टैली प्रोग्राम है। आज हम लोग टैली प्रोग्राम में सीखेंगे परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। ये होता है कि अगर परचेज रिटर्न अगर सेल रिटर्न करना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आइटम आपने किसी को सेल कर दिया, मान लीजिए सप्लायर या कस्टमर को, मान लीजिए आपने 100 पीस सेल कर दिया उसे, और क्या हुआ किस आइटम में किसी कमी के कारण वो फेयरने लेके आता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप हमने कंपनी हमारा रखा है और हम लोग क्या करेंगे कीबोर्ड से हम या फ्लेवर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आएंगे इन्वेंटरी फीचर्स में। देखिए इन्वेंटरी फीचर्स में आना है आपको, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसे इनवाइसिंग लिखा है, यहाँ पर आना है आपको, एंटर कर देगा और एंटर कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको वाई कर देना है, वाई एंटर, आई एंटर, यानी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना है कि यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स, ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवाइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड, ये तीनों ऑप्शन करना है येस, और एंटर कर दीजिएगा एक्सेप्ट। अब देखिए ध्यान रहे कि जब जब भी आप परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न करेंगे तो आपको परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न का भी लेयर बनाना है, यानी इसमें 6 लेयर बनाना पड़ेगा, परचेज सेल कस्टमर सप्लायर, और इसके साथ बनेगा परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। तो सबसे पहले आते हैं लेयर बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो में लेयर और क्रिएट, यहाँ पर लिखिए परचेज, परचेज चंडो का परचेज अकाउंट, और कंट्रोल ए कर लेंगे उसका, सेल सेल अकाउंट, और यहाँ पर फिर बना लेते हैं परचेज रिटर्न। परचेज देखिए यहाँ पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे आगे परचेज के आगे लिख देना हमको रिटर्न, परचेज रिटर्न, और यहाँ पर परचेज अकाउंट, और यहाँ पर सेल रिटर्न, सेल रिटर्न और सेल अकाउंट, ये हमारा लेयर बन गया। और यहाँ पे स्किप करके आप डिस्प्ले से हाँ लेयर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लेयर बन चुका है, और हमें लेयर बनाना है अब सप्लायर का। सप्लायर का अंडर होगा सैलरी क्रेडिटर, इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, और कस्टमर सैलरी डेबिटर्स, एंटर कर देंगे एक्सेप्ट। अब हमको बनाना है आइटम, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके करके आइएगा, आइएगा इन्वेंट्री, यहाँ पे आना है इन्वेंट्री इन्फो में, और यूनिट ऑफ मेजर तैयार कर लेते हैं पीस, पीसेस, इसके से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ग्रुप इस बार नहीं बनाते हम लोग, हम लोग एक प्रोडक्ट बना लेते हैं समझने की, तो स्टॉक आइटम में आएंगे, स्टॉक आइटम अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं ग्रुप, बना लेते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी और यहाँ पर स्टॉक आइटम। अब यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए बना लेते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं सैमसंग Z2, और यहाँ पर पीस और भाई कभी कभी क्या होता है कि ये रेट नहीं आता है, फिर आपको बता दिया जाता है कि ये 12 प्रेस करिएगा, और ये ऑप्शन क्या होता है कभी कभी नो रहता है, देखिए ध्यान दीजिए इनेबल, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट ये नो रहता है, इसको आपको यहाँ पर देखिए अब नहीं आ रहा है ना जी, हम पीस की बात आना चाहिए, तो इसलिए F12 दबाइएगा, और यहाँ से आकर आप इसको यस कर सकते हैं, और देखिए ये आ गया आपका, और यहाँ पर क्या करना है वाई प्रेस कर देना है, अब इसका रेट आप सेट कर लिए कॉस्ट जितने में आप इसको लाए, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं और एंटर करते हैं एक्सेप्ट। ये देखिए हमारा एक बना लेते हैं, एक बना लिए हम लोग, अब क्या करेंगे सिंपल सा बाहर आइएगा स्किप से, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वाउचर में आना है आपको, कीबोर्ड से अपना प्रेस करना है एंटर, एंटर, और यहाँ पर देखिए किससे करना है सप्लायर से आपको परचेज करना है, ये डेटा आप भर सकते हैं और एंटर करते हैं या कंट्रोल ए कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी आपको परचेज रिटर्न नहीं परचेज सेलेक्ट करना है, तो परचेज सेलेक्ट करिएगा स्पेस मारिएगा, यहाँ देखिए सैमसंग, सैमसंग क्या होता है 100 पीस में परचेज कर लेता हूँ, इसको 100 पीस परचेज कर लिएगा और एंटर करते करिएगा एक्सेप्ट, ठीक एक्सेप्ट, और अभी आपने परचेज किया, अब स्टॉक समरी में चलते हैं दिखा देते हैं आपको, स्टॉक समरी में देखिएगा स्टॉक समरी में 100 पीस है हमारा सैमसंग Z2, ये हमारा पीस आ गया, अभी से आउटवर्ड नहीं किया गया है, तो आइएगा आप क्या होगा 100 पीस है आपके पास, इसको आप सेल करिएगा इन्वेंट्री वाउचर में आपको F3 दबा देना है, और यहाँ से क्या करना है F3 दबाने के बाद आपको क्या करना है कस्टमर को सेल कर देना, मान ली कस्टमर आया सेल, यहाँ भी आपको सेल ही सिलेक्ट करना है, सेल कस्टमर आया आपके यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर 50 पीस वो ले लिया आपका सैमसंग Z2, और इसे एंटर कर दिया आपने एक्सेप्ट कर लेना आपको। अब फिर चलिएगा स्किप से बाहर आइएगा और स्टॉक समरी में जाइएगा, और यहाँ देखिए स्टॉक समरी इस पर आपको एंटर कर देना है, यहाँ पर देखिए 50 पीस, यानी आपका 50 पीस यहाँ पर बचा हुआ है, आपने यहाँ पर देखिए 100 पीस लिया था यानी आपको 75 लाख, और यहाँ 50 पीस जो बचा हुआ है, ठीक है, और 50 पीस जो बेच दिए हैं और 50 पीस में बचा हुआ है, स्किप से आइएगा बाहर,
अब मान लीजिए किसी कारणवश कस्टमर को जो आपने 50 पीस सेल किया उसमें से वो आपको 10 पीस रिटर्न करने आ रहा है, तो यानी कस्टमर जब रिटर्न करने आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो क्या कहें क्रेडिट नोट, तो इसे आप कहेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में। अब देखिए हम लोगों ने ऑप्शन को यस किया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रेडिट नोट का शॉर्टकट होता है Ctrl F8, यहाँ पर दबाना है आपको, और यहाँ पे Ctrl F8, और आपको ऐसा जब आए पर्टिकुलर तो आपको दबाना है Ctrl V, वैन वाली, आपको Ctrl V और एंटर कर देगा। आप ध्यान दीजिए आपने आइटम किसे सेल किया था, कस्टमर को ना, तो कस्टमर लाया है, एंटर करिएगा और एंटर कर दिस करिएगा, जैसे जैसे एंटर कर रहेगा, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा आपको सेल रिटर्न सेट करना है, और स्पेस मारिएगा, और यहाँ 50 पीस है, इसमें से आपका 10 पीस यानी वो रिटर्न करना है, तो 10 पीस यहाँ भरना है, और एंटर करते इसको करिएगा एक्सेप्ट, इसको एंटर करते करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, स्किप से बाहर आएगा, और यहाँ पर जब आएंगे आप स्टॉक समरी में तो देखिए आपका 60 पीस आ गया, ये 60 पीस आ गया, स्किप से आपको बाहर आना है, और फिर जाना है आपको इन्वेंट्री वाउचर में। अब जो कस्टमर आपको ला के दिया आप अपने सप्लायर को से रिटर्न कर देंगे, तो आपको यहाँ पर दबाना है Ctrl F9, हमने फिर बताया था कि यहाँ देखिए पर्टिकुलर देगा तो आपको Ctrl V दबा देना है कीबोर्ड से, वैन वाली, और यहाँ एंटर करना। अब अपने सप्लायर को आप वो पीस रिटर्न कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर सप्लायर को हम सेट करते हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पर परचेज रिटर्न स्पेस मारिएगा। अब मान लीजिए क्या होता है यहाँ पर 60 पीस दिखा रहा है, आपको यहाँ 10 पीस भर देना है और एंटर करते लगाना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप देखिएगा स्टॉक समरी में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका 50 पीस बचा हुआ है, यानी ये हुआ अगर किसी कस्टमर को आपने आइटम सेल कर दिया है, अगर 10 पीस आपने सेल किया है, मान लीजिए किसी कारणवश वो 5 पीस फेरना चाहता है, तो उसको हम क्या कर दे रहे उसको सेल रिटर्न कर लेते हैं, फिर उससे लिया गया माल हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। अब आगे की प्रक्रिया यही है कि हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे, कस्टमर से पैसा क्या करेंगे रिसीव करेंगे। देखिए तो हम लोग कस्टमर से करेंगे पैसा रिसीव कर लेंगे, ये हमारा कस्टमर का पैसा है, और इससे हम क्या कर लेते हैं रिसीव कर लेते हैं एंटर, और यहाँ पे कैश। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग DD में आएंगे, DD, और हमने देखिए कितना सेल किया है, मतलब सेल जो हुआ है हमारा, हम उस कस्टमर को क्या करेंगे, यानी जो सप्लायर को उसको पैसा पेमेंट कर देंगे। तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर में आना है, और आपको यहाँ पर F5 दबाना है, और सप्लायर का बैलेंस यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है, और यहाँ पर आए कस्टमर, देखिए यहाँ पर ये जो होता है आप यहाँ पर Ctrl A भी कर सकते हैं, ये पैसा आपका क्या हो गया। नहीं चलो, अब आपको अब प्रॉफिट देखना है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आगे देखिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस, यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं DD, और यहाँ से आके आप यानी किसी भी बेचो बाउचर को प्रिंट करना, मान लिया आपको डेबिट नोट को प्रिंट करना है, तो Alt P एंटर, Alt P यहाँ पर करिएगा, और Alt Z कर देंगे आपका ये मैटर क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ये तो हमारा हो गया परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न।